हिमालय को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। ये पर्वत श्रृंखला 7 देशों में यानी पाकिस्तान से लेकर भूटान तक फैली हुई है। ये दक्षिण एशिया की शान है। यहीं पर दुनिया के सबसे बड़े 2 पर्वत माउंट एवरेस्ट और K2 मौजूद हैं। दोस्तों, हो सकता है ये सारी बातें आपको पहले से पता हों, लेकिन क्या आप जानते हैं कि खूबसूरती की चादर ओढ़े हिमालय पर्वत अपने अंदर बहुत से रहस्यों को छुपाए हुए है। यहाँ ऐसी ऐसी घटनाएं होती देखी गई हैं जो हिमालय पर्वत को रहस्यमय बनाती हैं। कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो धरती पर सिर्फ यहीं पर मौजूद हैं और कहीं नहीं। दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम आपको हिमालय के वादियों के कुछ ऐसे रहस्यों का जिक्र करने जा रहे हैं जिनके बारे में जानकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। ज्ञानगंज मॉनेस्ट्री। दोस्तों, ये बात तो किसी से छिपी नहीं है कि जिसने भी जन्म लिया है उसकी मौत निश्चित है। इस धरती पर कोई भी अमर नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसी जगह है जहां किसी की भी मौत नहीं होती है। कहा जाता है कि यहां रहने वाले हर व्यक्ति का भाग्य पहले से ही तय होता है और यहां रहने वाला हर कोई अमर है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं ज्ञानगंज मठ की। ज्ञानगंज मठ हिमालय में एक बहुत ही छोटी सी जगह है जिसे शांग्रीला और शांबला के नाम से जाना जाता है। रामायण और महाभारत में भी इस जगह का जिक्र मिलता है। ग्रंथों में इसे सिद्ध आश्रम कहा गया है। बौद्ध धर्म के लोग मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने इसी जगह पर कालचक्र का ज्ञान हासिल किया था। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि इस जगह से कई तरह की मान्यताएं जुड़ी होने के बावजूद भी आज तक इस जगह पर कोई आम इंसान पहुंच नहीं पाया है। ऐसा कहा जाता है कि ये जगह सिर्फ उन ऋषियों का बसेरा है जो योग विद्या में पारंगत होते हैं और आसानी से अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लेते हैं, जबकि एक आम इंसान ऐसा नहीं कर सकता। इंसान का किसी चीज पर बस नहीं है, जबकि यहाँ पर रहने वाले ऋषि मौत को भी हरा देते हैं और अमर रहते हैं। बारालाचा लापास। दोस्तों, हिमालय की जंस्कार पर्वतमाला में 4,890 मीटर यानी कि 16,040 फुट की ऊंचाई पर स्थित बारालाचा लापास एक ऐसी जगह है जहां का नजारा सुबह के समय तो बहुत ही खूबसूरत पर रात के समय उतना ही खतरनाक होता है। दरअसल ये एक ऐसी जगह है जो साल के ज्यादातर समय बर्फ से ढका रहता है। हालांकि यहां पर एक शहीद स्मारक भवन है जो कुछ सालों पहले तक एक फंक्शनिंग आर्मी पोस्ट थी, लेकिन फिर यहां कुछ ऐसा भयानक हुआ जिससे कि इस जगह का नाम शहीद स्मारक भवन रख दिया गया। दरअसल सालों पहले इस इलाके में 3 सोल्जर्स पोस्टेड थे। जनवरी फरवरी का महीना था और उस दौरान हुए स्नोफॉल ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। लगातार बर्फ गिरने की वजह से इस इलाके का ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया। इसके साथ ही ऑडियो सिस्टम्स भी फेल हो गए, जिससे उन सोल्जर्स का संपर्क बाहरी दुनिया से पूरी तरह से टूट गया। पूरे 2 महीने तक सेम सिचुएशन बनी रही और इस बीच ये सोल्जर्स खुद को जिंदा रखने के लिए यहाँ सर्वाइव करते रहे। मार्च के महीने में जब मौसम थोड़ा साफ हुआ तब इन सोल्जर्स को यहाँ से निकालने के लिए रेस्क्यू टीम रोड्स को क्लियर करते हुए यहाँ पर पहुंची। लेकिन यहाँ पहुंचने पर उन्होंने जो देखा उनके आंख और मुंह दोनों खुले के खुले रह गए। दरअसल एक अजीब इंसान एक सोल्जर के लाश के बचे हुए हिस्से को खा रहा था। बाकी 2 सोल्जर्स की बॉडी पार्ट्स भी इधर उधर बिखरे पड़े थे। ये नजारा देखकर रेस्क्यू टीम डर से कांपने लगी, क्योंकि उन्होंने जीवन में पहली बार ऐसा कुछ देखा था। रेस्क्यू टीम कुछ करती उससे पहले ही वो अजीब सा आदमी रेस्क्यू टीम पर हमला करने के लिए एक जोरदार छलांग लगाता है। उससे बचने के लिए उन्होंने उस पर गोलियां चलाई, जिससे उस अजीब इंसान की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। ये किस्सा वहां मौजूद सभी के मन में एक गहरा सवाल छोड़ गई कि आखिर एक व्यक्ति 3 ऐसे सोल्जर्स की जान कैसे ले सकता है जिनके पास हथियार थे। हालांकि लोकल्स का ऐसा मानना है कि उस इलाके में स्पिरिट्स रहती हैं जो लोगों को अपने वश में करके उनसे ऐसा काम करवाती हैं। लोकल्स का ये भी मानना है कि जिन लोगों ने यहाँ अपनी जान गंवाई है रात में उनके चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। दोस्तों, उन 3 सोल्जर्स की ड्यूटी करते समय यहाँ जान चली गई थी, इसलिए इस पोस्ट का नाम शहीद स्मारक भवन रख दिया गया। ये थी दोस्तों 29 अप्रैल साल 2019 को हमारी इंडियन आर्मी एक ट्वीट करती है। इस ट्वीट में कुछ तस्वीरें शेयर की गईं, जिसमें हमें बर्फ पर कुछ फुटप्रिंट्स देखने को मिले। उन फुटप्रिंट्स को देखने से ऐसा मालूम हो रहा था कि ये फुटप्रिंट्स किसी सामान्य जानवर या आम इंसान के नहीं है, क्योंकि जहां एक आम इंसान के पैरों की चौड़ाई 2 से 4 इंच से ज्यादा नहीं होती है, वहीं गोरिल्ला जैसे जानवरों के पैरों का एवरेज साइज भी 10 से 14 इंच तक का होता है। लेकिन जिन फुटप्रिंट्स को इंडियन आर्मी की टीम ने शेयर किया था
वो 32 इंच लंबे और 15 इंच चौड़े थे, और इसीलिए सेना का ऐसा मानना है कि ये फुटप्रिंट्स यति के पैरों के हैं, यति जिसे हम हिम मानव भी कहते हैं। दोस्तों, हिमालय की गोद में इंडियन आर्मी द्वारा हिम मानव यानी कि यति देखने का ये दावा पहला दावा नहीं है। पिछली एक सदी में कई बार ऐसे दावे किए गए हैं, और अगर इतिहास के पन्नों को पलटकर देखा जाए तो यति और हिम मानव का किस्सा करोड़ों साल पुराना मालूम पड़ता है, क्योंकि तिब्बत के आसपास रहने वाले बौद्ध धर्म के लोग सैकड़ों साल पहले एक ऐसे ही ग्लेशियर जीव की पूजा करते आ रहे हैं जो दिखने में काफी हद तक हिम मानव से मिलते जुलते हैं। उनका पूरा शरीर सफेद बालों से ढका होता है और ये कद काठी में भी इंसानों से काफी बड़े होते हैं। इनकी हाइट को करीब 8 से 9 फीट माना गया है, और इनके हाथ में एक बड़ा सा पत्थर का हथियार होता है जिससे वो साधुओं की खूंखार जानवरों से रक्षा करते हैं। इसी सफेद जीव को बौद्ध धर्म के लोग गॉड ऑफ द हंट के नाम से भी पूजते आ रहे हैं। लेकिन कुछ बौद्ध साधुओं का कहना है कि ये सफेद विशालकाय जीव असल में एविल हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म में हिंसा को पाप बताया गया है और ये जीव जानवरों की हत्या करता है। आप चाहे इस जीव को देवता कहें या फिर दानव, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि बुद्धिस्ट माइथोलॉजी में ऐसे क्रिएचर्स कई सौ साल पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं। और इससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग बात यह है कि न सिर्फ नेपाल और तिब्बत के क्षेत्रों में बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी इस क्रिएचर को देखे जाने के दावे किए जा चुके हैं, और हर जगह हर देश में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका में इस जीव को बिगफुट के नाम से जानते हैं, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया में इन्हें यूवी कहा जाता है। भारत, नेपाल और तिब्बत के क्षेत्रों में इन्हें यति कहा जाता है, और हिमालयी क्षेत्रों में इन्हें हिम मानव के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, भले ही कई सौ बरसों से यति को देखने की बातें कही जा रही हैं, लेकिन साइंटिफिकली अब तक इसकी प्रेजेंस का एक भी प्रमाण नहीं मिल पाया है। महावतार बाबा जी। दोस्तों, हिमालय शुरू से ही प्राचीन और दिव्य ऋषि मुनियों का ठिकाना रहा है, और इसी वजह से यहाँ अक्सर लोग चमत्कारी संतों के दर्शन के लिए यहाँ आते रहते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ लोग ही सौभाग्य से इनके दर्शन कर पाते हैं। ऐसे ही एक महान दिव्य संत हैं महाअवतार बाबा जी, जिनकी उम्र हजारों वर्ष बताई जाती है। माना जाता है कि बाबा जी हिमालय के दिव्य क्षेत्र ज्ञानगंज में वास करते हैं। कहते हैं कि महावतार बाबा जी सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही दर्शन देते हैं और अपने बारे में उतना ही बताते हैं जितना वो दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं। अब तक न तो किसी ने उनकी तस्वीर क्लिक की है और ना ही वो प्रवचन देते हैं, लेकिन फिर भी देश दुनिया में उनके लाखों भक्त हैं। क्रिया योग का जनक उन्हें ही माना जाता है। उनके चुनिंदा शिष्यों ने उनकी बात और शिक्षा दुनिया तक पहुंचाई है। वैसे तो बाबा जी के दर्शन इतिहास में कई लोगों ने किए हैं, और इन्हीं में से एक हैं योगी महाराज गुरुनाथ, जिनकी बचपन से ही रुचि अध्यात्म में रही है, और इसी वजह से जब गुरुनाथ जी 23 साल के हुए तब उनके मन में बाबा जी के दर्शन करने की इच्छा हुई, जिसके बाद वे बाबा जी की खोज में हिमालय पहुंच गए। लेकिन हिमालय की चढ़ाई करना कोई आसान काम नहीं था, और उसके बाद बाबा जी की खोज करना उससे भी ज्यादा मुश्किल काम था। लेकिन गुरुनाथ जी ने ये तय कर लिया था कि चाहे उनकी जान भी क्यों ना चली जाए, वो बाबा जी से मिलकर रहेंगे। अपने इसी दृढ़ फैसले के साथ गुरुनाथ जी ने हिमालय की चढ़ाई शुरू की। इस चढ़ाई के दौरान गुरुनाथ जी को कई दिव्य योगियों के दर्शन हुए, जिनसे पूछने पर पता चला कि उनमें से किसी को भी महावतार बाबा जी का ठिकाना नहीं पता था। हालांकि इन दिव्य योगियों को देखकर गुरुनाथ जी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि हिमालय के इस ठंडे इलाके में जहां इंसान अपने शरीर पर कपड़े लाद कर खुद को जिंदा रखने में असमर्थ महसूस करता है, वहीं ये योगी बिना भोजन और कपड़े के कैसे जीवित हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ये योगी हिमालय के उन दुर्गम स्थानों पर तप करते रहते हैं जहां पर आम इंसानों के लिए पहुंचना काफी मुश्किल है, और इन्हें देख पाना मानो असंभव। लेकिन गुरुनाथ जी को उन्हें देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। हालांकि गुरुनाथ जी का मन अभी भी पूरी तरह से शांत नहीं हुआ था, क्योंकि उन्हें महाअवतार बाबा जी की तलाश थी, इसीलिए उन्होंने अपनी चढ़ाई नहीं रोकी। हालांकि जैसे जैसे वो ऊंचाई पर पहुंच रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उनकी अवेयरनेस एक्सपेंड हो रही है, और फिर एक समय के बाद ऐसा समय आया जब वे एक खाई के करीब पहुंच गए। अब तक चढ़ाई करते हुए गुरुनाथ जी काफी थक चुके थे, इसलिए उन्होंने वहीं पर कुछ देर आराम करने का फैसला किया, और जैसे ही उन्होंने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद की, उन्हें एक डिवाइन आवाज सुनाई दी। उन्होंने अपनी आंख खोली और बाबा जी उनके सामने थे।
दोस्तों महावतार बाबा जी के अलावा भी हिमालय पर कई दिव्य योगी मौजूद हैं जिनके बारे में लोगों को खबर तक नहीं है। कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुई थी जिसमें एक योगी को हिमालय पर -20 डिग्री से भी कम टेम्परेचर में लंगोट पहने हुए देखा गया था। दोस्तों इन योगियों को लेकर एक्सपर्ट्स का मानना है कि उन्होंने कठोर तप करके खुद को इतना स्ट्रांग बना लिया है कि उन पर हिमालय के इस ठंडे वातावरण का भी कोई असर नहीं होता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की ये पेशकश? अगर आपको मौका मिले तो क्या आप कभी हिमालय पर चढ़ाई करना चाहेंगे? अपना जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।